नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस वीडियो को देखना स्टार्ट किए होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि आकर्षण का नियम, यानी आकर्षण का नियम क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसके बारे में हमने बात किया था, जिसपे आप लोगों ने काफी अच्छी की आप लोगों की प्रतिक्रिया आई है, काफी अच्छा व्यू आया है। तो इसका मतलब आप लोग आकर्षण के नियम को समझने के लिए तैयार है। अपनी भाषाओं में मैं आकर्षण के नियम को समझाऊंगा और उसमें मैंने आपसे चर्चा भी किया कि अगला जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा या फिर अगला वीडियो मैं जब शूट करूंगा तो इसमें मैं कई सारे ऐसे उदाहरण दूंगा जिससे आपको आकर्षण का नियम समझ में आ जाएगा। आखिरकार आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, क्या वाकई में आकर्षण का नियम काम करता है? तो अगर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ या फिर मैं आकर्षण के नियम को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि ना बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं समझ पाएंगे आकर्षण के नियम को, या फिर समझने की कोशिश ही ना करें कि यार वाकई में क्या मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा मुझे। तो अगर आप हमसे ये सवाल करेंगे कि क्या आकर्षण का नियम इस सिद्धांत पर काम करता है कि मैं अगर जो भी चीज का डिमांड करूं वो मिल जाएगा, तो मैं कहूंगा हाँ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो ये सोचेंगे कि यार, तो जहां से आपने सोचा या तो हो सकता है कि ना भी मिले, तो मुझे नकारात्मक बिल्कुल रहना ही नहीं। जब भी हम अपने माइंड से अगर सकारात्मक ऊर्जा का जो विचार ब्रह्मांड को भेजते हैं वो हमें रिवर्स होकर के मिलता है। तो यही काम करता है आकर्षण का नियम, मतलब किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना। मतलब जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो वो हमारे समक्ष आता जरूर है, लेकिन आकर्षण केवल बनाए रखने से कोई काम होने वाला नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि हमें उसके अनुसार काम भी करना होगा, तभी हमारा आकर्षण का जो नियम है वो काम भी वर्क भी करेगा। अब बैठे रहने से नहीं कि आप बैठे हैं, हाँ मुझे ये दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो तो आपको मिल जाएगा, नहीं, आपको कार्य भी करना है। कार्य करते रहना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आकर्षण का नियम भी यही कहता है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। हाँ, अगर आप, ये हो सकता है कि आपने किसी चीज को चाहा है या फिर आपकी किसी चीज की डिमांड है, इसमें देरी हो सकती है या फिर आपका माइंड जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो आकर्षण का नियम है वो चेंज नहीं होता। आकर्षण के नियम में अनंत संभावनाएं होती हैं, अनंत प्रचुरता होती है, अनंत आनंद की अनुमति देता है आकर्षण। ये कठिनाई का कोई क्रम ही नहीं जानता, एक तरीके से ऐसे समझिए, मतलब कोई मोल नहीं है कि आप कठिनाई को समझते हैं, आप खुशी को समझते हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इसे आप जो अनुमति देते हैं, जो भी अनुमति आप दें, आपके जीवन को हर तरह से बदल सकता है आकर्षण का नियम। उदाहरण के तौर पर चलिए आपको हम उदाहरण के तरीके से समझाते हैं थोड़ा सा। आप अपने बचपन में जाइए, थोड़ा सा जब भी आपका जो भी बचपन रहा, आप जब से समझना स्टार्ट किए हो, समझिए एकमात्र छोटी सी बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चा जब छोटा होता है, अब हम भी छोटे रहे होंगे, आप भी छोटे रहे होंगे, अपने बचपन में जाइए ना, आपकी ज्यादातर डिमांड क्या रहती है, आपकी सोच क्या थी? अगर आप बाजार जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, तो आपकी डिमांड होती थी कि हम कुछ कुछ भी देखें तो उसको खा लें, आप कुछ भी देखें तो उसको ले लें, ये आपकी चॉइस रहती थी। या फिर आप कल्पना करने लगते थे कि मेला है, मेले में जाना है, तो मेले में मैं जाऊंगा तो मैं गन लूंगा, मैं मेले में जाऊंगा तो पापा से या फिर मम्मी से या फिर भैया से या फिर किसी से बोल करके मैं कार खरीदवाऊंगा। तो वो आपका जो कल्पना है, जो आपने कल्पना किया, आपने जिस चीज के बारे में सोचा, मतलब उस चीज को आकर्षित किया और आप डिमांड भेजना शुरू कर दिए, मतलब आप उस चीज को आकर्षित करना शुरू कर दिए हैं कि अब जो है मैं मेले में जाऊंगा, मैं वहां से कार खरीदूंगा, गन खरीदूंगा, वहां कुछ खाऊंगा, घूमूंगा, चाहे कुछ भी देखूंगा। तो अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है, मान लीजिए आप मेले में गए और
हो सकता है कि वो डिमांड आपकी तत्कालिक पूर्ति ना होने पाए, या फिर हो सकता है कि माँ बाप के पास पैसे ना हो जो आप खिलौने की डिमांड किए हैं, कार की डिमांड किए हैं, चाहे गन की डिमांड किए हो सकता है कि वो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए टाल दे, कहना कि नहीं अभी मेरे पास नहीं, चलो इस चीज से तुम काम करो। हाँ, लेकिन फिर आपका जो आकर्षण है या फिर जो आपकी कल्पनाशीलता है या फिर आप कल्पना जो कर रहे हैं वो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए बना रहेगा। मैं अगली बार जब मेले में जाऊंगा तो मम्मी या पापा या फिर चाचा या फिर भैया किसी से भी, लेकिन मैं वो जरूर लूंगा। तो उसमें आपको कामयाबी मिली कि नहीं मिली? मिली मिली, हाँ मिली, सबके साथ ऐसा ही होता है। चलो ठीक है, ये तो हो गई बचपन की बात। अब समझ में आया कुछ यहाँ आकर्षण का नियम किस तरीके से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है? ये आप नहीं, आपकी जो कल्पना है वो कहीं ना कहीं आपने जिस चीज को आकर्षित किया वो आपको मिला। कैसे मिला आप ये भी तो नहीं समझते हैं, कैसे मिल गया? आपने उस चीज को वर्क करना शुरू किया, आपने भी नेक्स्ट टाइम के लिए किया। जब आप कुछ नहीं कर रहे थे तब ये स्थिति थी, जब आप कुछ करने लगेंगे तब सोचिए। इसी तरीके से जब आप कुछ और बड़े होते हैं, जब आप स्कूल लाइफ में जाते हैं, कॉलेज लाइफ में जाते हैं, तब की बातों को समझिए। आप खुद से विचार करते रहिए, मैं बातों को बता रहा हूं लेकिन आप खुद से ये चीजें समझिए कि आखिरकार हाँ यार मेरे साथ तो हाँ। अगर मैं खुद, अगर मान लीजिए, चलिए मैं आपको अपना खुद का उदाहरण देता हूँ कि मैं कैसे समझा इस आकर्षण को। जब से मैं आकर्षण को समझा हूँ तब से मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। हाँ, कभी कुछ चीजें नकारात्मक हुई हैं, जो मेरे ऊपर हुआ है वो आपके ऊपर भी हो सकता है। इसलिए जब भी अगर आप सकारात्मक रहते हैं, अगर चीज जिसको आकर्षित आप करते हैं वो आपके साथ होगा। आप बहुत दुखी हैं, मेरे पास पैसा नहीं है यार, मैं कैसे करूंगा, मैं तो गरीब हूं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, ये तो अमीरों का शौक है, मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ये चीजें आप नकारात्मक सीधे भेज रहे हैं। आपने ये कल्पना कर लिया, ये सोच लिया कि मुझसे ये नहीं होगा, हम तो गरीब हैं, मेरे पास तो है ही नहीं इस चीज का। तो जो चीज आप भेजेंगे वो रिटर्न आपके पास आएगी। यही होता है आकर्षण। मतलब हम जब हम सकारात्मक रहे, नहीं मैं क्यों नहीं कर सकता, होगा, मैं कर्म करूंगा, ऐसा काम करूंगा, मैं भी अमीर बनूंगा, मेरे पास भी पैसे होंगे। ठीक है, चलिए कुछ टाइम के लिए मैं बोलता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं, लेकिन क्या आप इसी चीज को लेकर के बैठ जाएंगे? नहीं है। अब भाई कर्म तो करना शुरू करिए, काम तो करिए, इसके लिए वर्क तो करिए, बाहर तो जाइए, कुछ कमाइए, तब तो आपकी गरीबी हटेगी। आपको सेविंग करिए, तब जा करके आपका कुछ वर्क होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अब अपना कुछ उदाहरण आपको पेश करता हूँ। लगभग जब मैं स्कूल टाइम की ही मैं बात कर लेता हूँ, स्कूल टाइम की कक्षा आठ में लगभग मैं था, तो सिचुएशन हम लोगों का भी बहुत नॉर्मली गुजरा है, अपना बचपन नॉर्मली रहा है, और हम लोग मिडिल परिवार का बिल्कुल कह सकते हैं, मिडिल परिवार से भी उस समय का जो स्तर था वो आज के लगभग 20 साल तो हो ही गया होगा, 20 साल के पीछे अगर देखा जाए तो उस समय की सिचुएशन बहुत ही खराब थी। हाँ, महंगाई तो नहीं थी लेकिन पैसे भी तो नहीं थे, आमदनी भी नहीं था। इस समय जितनी महंगाई उस हिसाब से इनकम भी, आदमी उस हिसाब से सर्वाइव कर रहा है, जो चीज चाह रहा है वो पूरा कर ले रहा है, लेकिन पहले के समय में भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ, कक्षा आठ में मैं था, मेरे पास उस समय मैं बस से जाया करता था स्कूल, और घर से लगभग 8 किलोमीटर था, मार्केट तो चकिया का वहीं पे स्कूल था अपना और नर्सरी का, तो काफी अच्छा खासा उस समय स्कूल हुआ करता था। जो बच्चा नर्सरी में पढ़ता था अपने आप को बड़ा गर्व होता था कि भाई मैं नर्सरी में हूँ, और कोई प्राइमरी में रहता था तो प्राइमरी वालों को बड़ा थोड़ा सा, लेकिन प्राइमरी में पढ़ता, नर्सरी का बच्चा उस समय जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ता, अरे बाप रे बाप, जब बच्चा तो नर्सरी में पढ़ता, तो इस तरीके से था। लेकिन उस समय मैं बस से आया जाया करता था, कक्षा सात तक मैं बस से गया, और मैं जब बस से जाता था या फिर कुछ थोड़ा बड़ा हो गया तो कहते ना कि उस समय साइकिल चलाने का बहुत स्कोप हुआ करता था ना, साइकिल चलाना काफी लोगों को पसंद हुआ करता, बच्चों को, और साइकिल ही एक ऐसा साधन था जो घर घर हुआ करता था, और मेरे घर वही पहले पापा के जमाने की टूटी फूटी साइकिल थी। और मैं जब जाता था वहां पे अपने साथ के जो स्टूडेंट थे उनको देखता था, उनके पास साइकिलें हुआ करती, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी अपनी साइकिल से आऊं पढ़ने के लिए। इसी बीच में हमारे घर के जो बगल में एक चाचा थे, तो वो एक साइकिल लाए,
कहीं से भी खरीद वरीद के जो भी जैसे भी लाए थे, लेकिन वो जब साइकिल लाए तो फिर ये पता चला कि वो अपनी साइकिल को बेच रहे हैं, और वो पता है कि वो साइकिल कौन सी थी, रेंजर, जो थोड़ा मॉडर्न टाइप की नहीं होती, ऐसे टेढ़े वाला हैंडल आप जानते होंगे, अपने आप में वो उस समय की बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, रेंजर साइकिल। अगर रेंजर साइकिल से लड़का चल रहा था बहुत बड़े घर का लड़का, या फिर बहुत पैसे वाला, या फिर जो भी कुछ ऐसा समझते थे लोग, और काफी चमचमाती हुई साइकिल थी। जब पता चला मुझे कि ये बेच रहे हैं, मेरी इच्छा हुई, और मेरे घर में बात भी बार बार चल रही थी कि अभी साइकिल खरीदा जाएगा, साइकिल खरीदा जाएगा। तो मेरे मन में हुआ कि अरे यार ये वाली साइकिल ले लिया जाए। लेकिन उस समय मैं कल्पनाशील था और उस साइकिल के बारे में बराबर सोच रहा था कि ये साइकिल मेरी हो जाए, ये साइकिल मेरी हो जाए। मैं कई बार, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैं उनके पास जा करके उस साइकिल का बजट पूछता था कि आप इस साइकिल को कितने में देंगे। अब समझिए, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं जाकर के डायरेक्ट उनसे पूछ रहा हूं कि आप इस साइकिल को कितने में देंगे, और उस समय 1100 रुपए अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट। समझने वाली बात थी कि 1100 रुपए, तो 1100 रुपए अपने पास नहीं, 1100, लेकिन घर पे ये था कि नहीं साइकिल लेना है, साइकिल लेना है। तो मैं घर पे गया, मैं बताया कि 1100 रुपए मिल रहा और ये साइकिल आप लोग ले लीजिए, बजट नहीं बन पा रहा है। लेकिन मैं बराबर, अब मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो साइकिल बेच दें, कोई और ले ले। लेकिन मुझे अब फील होता है कि जो मैं सोच रहा था बराबर उसके लिए कंटिन्यूअस की नहीं ये साइकिल मेरी है, ये मुझे मेरे पास होनी चाहिए, बार बार मैं उसके लिए जगह देख रहा था कि मैं इस साइकिल को लाऊंगा तो यहाँ खड़ा करूंगा, ये यहाँ पे इसका जगह रहेगा। तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज को आकर्षित कर रहा था, और मेरी जो डिमांड है वो 3 से 4 दिन के अंदर ये डिमांड पूरी हो गई। पापा मम्मी ने मिल करके मेरे लिए वो साइकिल उनसे खरीद लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सोचिए, अगर आप ये सोच के बैठे कि आपके पास कुछ है ही नहीं और मैं कैसे करूंगा, तो अगर आप इसमें ही समय व्यतीत कर देंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं तो आप उस पे बने रहिए, उसके लिए कर्म करिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ लगिए, और वो चीजें जरूर पूरी होंगी। जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, इन सब में सबसे शक्तिशाली है आकर्षण का नियम। ये बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह काम करता है, यह हमेशा प्रभावी रहता है, आपके जीवन को आपकी कल्पना से कहीं अधिक तरीके से प्रभावित करता है आकर्षण का नियम। अच्छी खबर यह भी है कि एक बार जब आप इस सार्वभौमिक नियम से अवगत हो जाते हैं तो आप जिसे भी चाहते हैं उसको आप पा लेंगे, ये है आकर्षण का नियम। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी इससे प्रभावित होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर आप आकर्षण के नियम को समझ जाएंगे, और टाइम लगेगा थोड़ा सा, और जो लोग समझ गए होंगे वो समझते होंगे आकर्षण का नियम ये एक रहस्य की तरीके से काम करता है, और सबके समझ में भी नहीं आता, सबके समझ में भी नहीं आता, लेकिन आकर्षण के नियम के थ्रू सारे लोग चल रहे हैं, सारे लोग, लेकिन सोचने का तरीका, समझने का तरीका अलग। तो मुझे अब आशा है कि आप लोग इस वीडियो से कुछ न कुछ आकर्षण के नियम को समझे होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम प्रारब्ध के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्स के बारे में बात करेंगे, अगर का पॉजिटिव एनर्जी हमारा किस तरीके से काम करता है इसके बारे में हम बात करेंगे, प्रारब्ध हमारा कैसा रहा है, या फिर हम कुछ कर्मों के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा के साथ और मतलब प्रकृतिवाद के साथ हम सारी चीजें बात करते हैं। और बहुत सारे लोग इसको दैवी शक्ति भी मानते हैं, तो
ये अपनी अपनी कल्पना है कि आप किस तरीके से कैसे इसको देखते हैं। और मैं जो है पूरी तरीके से प्रकृतिवादी हूँ, प्रकृति के तरीके सोचता हूँ, और वो मैं आपको कंसेप्ट समझाने की मैं कोशिश करूंगा इसको। तो अगर आप समझने के लिए तैयार हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए अपने मित्रों अपने दोस्तों में, कि थोड़ा सा जो भी ऐसी चीज़ें हैं आकर्षण का जो नियम है, जो लोग नहीं समझते हैं, अगर हो सकता है कि मेरी जो समझाई गई बातें हैं वो थोड़ी समझ में आ जाए। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आए और सारे लोग कुछ न कुछ अपने जीवन में अच्छा करें और अच्छी ज़िंदगी जिए, हंसता खेलता जीवन व्यतीत करें। और इस कष्ट तो सबके साथ है, हमारे साथ भी, आपके साथ भी, लेकिन इसको भी हंस करके ही निकालना है। तो आता जाता रहेगा, सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो लेकिन हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करना है तो हमें आकर्षण के नियम को समझना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आकर्षण के नियम को अब समझ रहे होंगे और इसके बाद भी मैं सारी चीज़ों पर बताया हूँ उसके बारे में मैं आपसे मैं चर्चा करूँगा। और चलिए अब चलते चलते वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट मिलता है आपका तो सपोर्ट आप बनाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।